अरे तुम्हारा सोना गुम हो गया, तुम्हारा चांदी गुम हो गया, तुम्हारा नौकरी चला गया, तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई, तुम रोते हो। इस बहन को देखो, वो क्यों रो रही है? क्योंकि उसे यीशु नहीं मिल रहा। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस, आई नीड यू लॉर्ड, I need you। मुझे इस दुनिया में कोई चीज प्रभु खुश नहीं कर पाती है। I'm very unsatisfied guy, Lord, come Lord। कब आपका दिल इसलिए टूटा है? क्योंकि खुदा का टच आपको नहीं मिल पाया। यीशु पहला शब्द उसे कहता है, क्यों रो रही है? अरे कुछ लोग का रोना बंद हो चुका है इन दिनों में। इतने ड्राई हो चुके हैं, इतने सख्त हो चुके हैं पाप कर करके। उसने माली समझकर उससे कहा, क्योंकि वो एक गार्डन था, यीशु को एक कब्र गार्डन में जो पड़ी थी वो मिली थी। हे श्रीमान, यदि तूने उसे, यीशु को कह रही है, तूने लिया है क्या उससे? अब 16 में देखो क्या आया। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उससे पीछे फिर के इब्रानी ने कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। 17 देखो, इतना अमेजिंग है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। बताइए यीशु ने क्यों कहा? अरे लिपटने जा रही थी उसे। दिस इज क्रिस्टल लाइफ, सीक हिम, हग हिम, दैट्स लाइफ। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed.
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एलिशा का एक सेवक था जिसका नाम था गहजी। वो सदैव एलिशा के साथ रहता था, एलिशा के अभिषेक से भी वाकिफ था। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग एक व्यक्ति की अनॉइंटिंग को पहचान पाते हैं। दाऊद की इज्जत योनातन दोस्ती की खातिर नहीं, अभिषेक के खातिर करता था। वो जानता था ही इज अ नेक्स्ट किंग, ये वो बंदा है जिसको परमेश्वर ने इज़राइल दी है। आप जानते हैं, कोशिश करिए किसी भी प्रभु के दास को दोस्त मत बनाइए, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा ब्रदर दिनेश को कहता हूं, कभी भी दोस्त मत बनाना किसी को भी, क्योंकि जिस दिन तू लोगों के साथ फ्रेंडली हो गया ना, लोग तेरी बातों को नहीं मानेंगे, वो तुझे हल्का लेंगे। इसीलिए मैं हर व्यक्ति के साथ एक गैप मेंटेन करता हूं, ताकि जब मैं वर्ड प्रीच करूं तो मेरा प्रभाव हटकर खुदा का कलाम उनके ऊपर असर करे। अब जानते हैं, लेकिन गहजी बहुत ही, ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, वो बहुत अलग व्यक्ति था। आप जानते होंगे, मूसा परमेश्वर का अभिषेक था, पर इसराइल के लोग उसका आदर नहीं करते थे, इसलिए आप देखो वो उसमें से कभी कुछ लर्न भी नहीं कर पाए। गहजी, एक समय था जब एलिशा ने उसे काम सौंपा, एक लड़का जो बीमार होके मर गया, गहजी को कहा गया आप जाओ और उस लड़के को जिंदा करो। लेकिन जाते जाते उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि रास्ते पे चलते हुए किसी से भी बात मत करना। मैं एलिशा से पूछ रहा था कि ब्रदर आपने उस भाई को ऐसा क्यों कहा। आप जानते हो, एलिशा उसकी कमजोरियों को जानता था। आप जानते हो, इंसान में सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उसकी अस्थिरता, अनस्टेबल माइंड, अनस्टेबल माइंड। जब नए नए रिश्ते बनते ना लोगों के, तो वो रिश्तों में बह जाते हैं, क्योंकि नया नया रिश्ता बहुत प्यार बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कड़वे क्यों होते हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जाने बगैर उसके करीब चले गए। स्टार्टिंग में हर चीज स्वीट होती है। कितने लोग हैं जब पिज्जा नया नया आया था तो बहुत मजे से खाते थे, अभी बोर हो गए हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब लोग थोड़ा सा प्यार करते हैं, आप बह जाते हो, आप उनको अपने लूपोल्स बता देते हो, फिर जब वो लोग कड़वे होते हैं, वो आपकी चीजों को गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप डरते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप अनस्टेबल माइंड में चल रहे हैं। कभी भी आपको कोई प्यारे प्यारे शब्द कहे ना, आप बिलीव करिए, अगर कोई भी ऐसा बंदा है कि कोई टाइम पे वो मुझसे बहुत बात करता था, अभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ट्रस्ट भी मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, पर आपको मैं अपने दिल में जगह बनाने नहीं दूंगा। कई लोग कहते हैं, बदर आपको हर्ट तो नहीं हुआ? नहीं होता है, दिल यीशु के पास है। जिनका दिल उनके पास है ना, उनको हर्ट होता है। मेरे पास मेरा दिल नहीं है, सच में नहीं है, मेरा दिल यीशु मसीह के पास है। और आपको मैं सच बताता हूं, वो मेरा दिल कभी नहीं तोड़ता। क्यों मैं आपको वर्ड स्टार्ट करने से पहले गहजी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज कि आप में से कुछ लोग हैं कि आप बहुत ही ब्लेस्ड होने चाहिए, लेकिन उतने क्यों नहीं है।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि चलती हुई मीटिंग में आप कुछ कुछ बातें मिस कर देते हो, कभी कभी की वर्ड्स जब आते हैं आप मिस कर देते हैं. डोंट बी, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए. इंपॉर्टेंट मुझे देखना नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनिए. ये बहुत ही हाई टाइम चल रहा है. हमें अभी सच में अपने लाइफ के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, अपने प्रेयर के बारे में, अपने स्टडी के बारे में, इवन आप, मुझे लगता है कि अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कुछ. यीशु चेलों को हमेशा कहते थे सचेत रहो, बी अलर्ट. एक जगह लिखा है वॉच योरसेल्फ, अपने आप को देखो तुम कहां हो. देखो ऑनेस्टली कहता हूं, मैं ग्रोथ में बहुत सेल्फिश हूं. आप खड़े रहो ना रहो मेरे साथ, मैं बढ़ूंगा आगे, मैं आगे बढ़ूंगा. आप भी बढ़ो, सेल्फिश बनो इस चीज के अंदर. अगर कोई आपका दोस्त है जो आपको प्रभु में बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आपके टाइम को पास करने में आपकी बहुत हेल्प करता रहता है, निकलो वहां से. स्वार्थी बनो नहीं, दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ दूं, यही तो प्रॉब्लम है आपका सेल्फ. संगति बंद करो, दोस्ती रखो ना, मिलो उससे, जय मसीह बोलो, बर्थडे पे उसको इनवाइट करो. डोंट बी लाइक अ गहजी, गहजी की तरह ना बने. सीखें, लर्न करें. जब इन चर्च, जब चर्च में आते हैं तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा चाय वाय पी के आया करो. कुछ लोग मीटिंग में मुझे बैठ के देखते हैं, प्लीज ऐसे मत करो. मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो गुड मॉर्निंग बोल के आगे बढ़ जाऊंगा. आपका नुकसान है, इतना लंबे से खर्चे करके आते हो, मजाक थोड़ी है यहां तक पहुंचना. इतनी अंदर चर्च है हमारी, चर्च कितना अंदर है हमारा, देखा है आपने कितना पैदल चल के आना पड़ता है वहां से. मैं कुछ भाई बहनों को जब कार में देखता हूं, अभी कार इतनी बड़ी नहीं है कि सबको बिठाऊं, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ भाई बहनों को वहां से जाते जाते बोलूं आओ बैठ जाओ, फिर मुझे लगता है दो लोग देखेंगे और बहेंगे हमको तो नहीं बोलता है. फिर इसके लिए मैं कुछ किसी को भी नहीं बोलता हूं कि छोड़ो, क्योंकि अच्छे काम को भी बुरी तरह से देखने की आदत है कुछ लोगों को, है ना. हाँ, बाइबल बताती है सबको एक दिनार दिया गया तो सुबह वाले आए और कहने लग गए हम तो सुबह से खड़े हैं, ये तो अभी अभी आए हैं, इनको भी एक हमको भी एक. लोगों को आदत पड़ गई है बुरी चीजों को भी अच्छी गलत नजर से देखना. वहां पर लिखा है उस आदमी ने उसको कहा अगर मैं भला करता हूं तो तू उसे बुराई से क्यों देखता है. कभी भी है ना, याद रखिए, थोड़ा अपना मेंटेलिटी बदलिए, अपनी सोच को बदलिए. आपको सेलिब्रेट करना चाहिए जब किसी के साथ अच्छा हो रहा है ना. आपको ट्रस्ट मी, जब मैं गॉड टीवी का जब मैं मैगजीन पढ़ता हूं ना, और जब मुझे पता चलता है बांग्लादेश में इतने लोग बच गए, ओ केन्या में इतने लोग बच गए, इंडिया में इतने लोग बच गए, आप बिलीव करो माय हार्ट रिजॉइस्ड. मेरा दिल खुश होता है अंदर में. मैं कभी कभी वो मैगजीन लेके डांस करता हूं कि मेरे इतने भाई बहन आज बचाए गए, मेरे द्वारा क्यों नहीं बचे, वापस चले आए तुम लोग. प्रॉब्लम यही है, सेल्फ, मैं, इतना बड़ा निर्णय बगैर मुझसे पूछे. हां हिटलर तेरे से बगैर पूछे. इस गलत स्पिरिट में मत चलिए. सेल्फ शुड बी क्रूसीफाइड. ये जरूरी है कि स्वयं खत्म हो. जब तक स्वयं खत्म नहीं होगा मसीह नहीं आ सकता. इसलिए पॉल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है. आमेन. आपका मरना, यू नो परमेश्वर आपको कितने मौके देता है हर दिन मरने के, आप वो अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं. एक दिन एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी वहां पर था, स्पीकर के तौर पे नहीं गया था,
मैं मॉर्निंग में फ्री बैठा हुआ था, मुझे पता चला कि एक पास्टर कॉन्फ्रेंस है, मैं जहां पर मीटिंग लेने के लिए एक और जगह पे गया था, तो मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कहा, मैंने कहा ब्रदर मैं पास्टर सूरज प्रेमानी बोल रहा हूँ, अच्छा ब्रदर ब्रदर मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्पीकर है ना मुझे पता है उनके बारे में, वो बहुत स्पिरिट फिल्ड है। नहीं नहीं ब्रदर, अगर आप आ रहे हो ना तो हम उनको मौका कल देंगे, आज आप बोलो। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं सुनने आऊँगा, मुझे चुपचाप से पीछे एक सीट दे देना। मीटिंग पूरी हुई, खाना था, आप बिलीव करिए सबको खाना दिया गया, लेकिन एक्सीडेंटली वो लोग मुझ तक खाना पहुंचा ही नहीं पाए। सब हाथ मिलाने में, फोटो निकालने में बिजी हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है खाना खाया है कि नहीं खाया। जब मैं लास्ट में जा रहा था, हर एक को ऐसा लग रहा था कि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैं पूरी कॉन्फ्रेंस में अकेला था जिसने खाना नहीं खाया। अब मेरा सेल्फ बोल रहा था, बोल बोल, खाना मुझे नहीं मिला है। और खुदा कह रहा था, सी मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मरने की, निकल जा इधर से बगैर खाए। और जब मैं वहां से भूखे पेट निकल रहा था, मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि जो मैंने बर्दाश्त किया वो इन पर जाहिर नहीं हुआ। ये तो गलत बात है, इनको पता भी नहीं चला कि मैं कहां से गुजरा हूं। सेल्फ शुड बी क्रूसीफाइड। जब मैं वहां से निकला, शाम को मेरी मीटिंग थी, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर दुगना अभिषेक था। मैंने कहा, खुदा जो तूने मुझे दिया है ना, उसकी कीमत बहुत छोटी थी, इससे बड़ी होती वो भी चुका देते, लेकिन हमें तू चाहिए। आपको प्रभु कितने मौके देता है, कभी कभी आपके आपको अच्छा फोटो निकल जाएगा और आपका दिमाग कहेगा लगा सेल्फी, लगा डीपी, शाम तक हाट 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 आ जाएंगे सब, लेकिन आप कहते हो नहीं, इसे अंदर रखेंगे, आज वचन लगाएंगे। जब आप वचन लगाओगे ना, आपका दिल रोएगा, वो रो नहीं रहा है, सेल्फ मर रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इस थोपड़े में है क्या, इसमें है क्या, हम इतने इसके पीछे लगे पड़े रहते हैं, और कुछ कुछ लोग तो खुद अपनी तारीफ करते। एक बहन ने फोटो लगा के ऊपर लिखा था, प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। मैंने कहा सच में बिल्कुल अद्भुत। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में लिखो, वहां लिखा है गॉड मेड मी फियरफुली। खुद की तारीफ खुद। कई भाई लोग फोटो लगाते हैं, ऊपर लिखते हैं धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। मन दिख किधर रहा है, शक्ल दिख रही है। कहो बाजू वाले को अब थोड़े से मैच्योर बनो, उम्र हो रही है आपकी। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, जो बोला सेंटेंस पूरा बोलो। बाजू वाले को बोलो अब उम्र हो रही है, मैच्योर बन जाओ थोड़ी से। क्यों मेरे पास फोटोज नहीं है? मेरे पास भी हैं, अच्छे अच्छे फोटोज हैं। एक तो बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा हूं मैं, ऐसे खड़ा था जैसे मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है, ऐसे खड़ा था मैं सीना चांद के। कई भाइयों को दिखाया, भाइयों ने बोला ये फोटो अभी तक अंदर पड़ा है, लगा डीपी, सबको दिखा तू दुबई होके आया है। मैंने कहा इट्स ओके, जीसस दुबई से बहुत बड़ा है। कभी कभी चलता है, लाइफस्टाइल मत बनाओ। दीदी ओ भाई, लाइफस्टाइल मत बना, कभी कभी चलता है, इट्स ओके, कभी कभी नौटंकी चलती है, रोज नहीं। सोचो जिस बंदे के पास सोशल मीडिया नहीं था, अपने समय में उसने पूरा एशिया हिला दिया। पौलुस ने, अगर आज उसके हाथ में सोशल मीडिया होता ब्रदर, वो क्या कर देता। कितना अच्छा, आपके पास आपको रिसोर्सेस मिले हैं खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है। एक बाकी था, उस दिन एक ब्रदर ने वो भी पूरा कर दिया, स्पॉटिफाई, उस पे भी आ गया।
रोज एक ब्रदर हमारे चर्च के, हमारे ब्रदर रवि जो हैं, वो रोज सर्मन्स डालते रहते हैं। इतना मैं इतने ब्लेसेड भाई बहनों से मिला हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कुछ भाई बहनों के लिए जिन्होंने खुदा के कलाम को, जो रोटी खुदा ने मुझे दी और मैंने जब उसको तोड़ी और मैंने उनको दी, उन्होंने क्या 5,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की है। अमेजिंग। मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ, रियली बिग गॉड ब्लेस यू। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मेरी मदद नहीं की है, लेकिन मैं उनके लिए बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने जो रेवलेशंस मुझे मिले वो पूरे भारत में फैलाने में मेरी मदद की है उन लोगों ने। आपको नहीं पता है आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। आमेन। सो चलिए आज हम कुछ और भी उत्तम खाने वाले हैं। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो सच में खुदा को पूरी तरह पाना चाहते हैं। राइट? नॉट 30, नॉट 60, 100। मुझे 30% ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मेरे पास 60 भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 100%। ओके, आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ जॉन। यूहन्ना खोलिए सभी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, और मैं चाहता हूं ब्रदर आप लगा दीजिए 6:15, 15वां वचन। सबने खोल लिया? आपसे विनती है चलती हुई मीटिंग में कोई ना उठे, डिस्टर्ब होता है मुझे, इसके बाद ये गलती ना करें, ठीक है? सारे काम पहले ही निपटा दिया करो जो भी है। आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है? उसके बाद हम एक साथ पूरी चर्च मिलके पढ़ेंगे। यीशु यह जानकर कि वो उसे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आइए मैं 3 गिनूंगा, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल में पढ़िए, जिनके पास नहीं है वो यहां देख के पढ़िए। 1, 2, 3। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप योर बाइबल। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। खुदा का पाक कलाम कहता है जीसस को एक प्लेस पर लोगों ने किंग बनाने की कोशिश की, बट यीशु वहां से चला गया। क्यों चला गया? सबसे पहले जिसको वो राजा बनाना चाहते थे वो ऑलरेडी राजा है, ही इज ऑलरेडी किंग। ओके, आमेन। जब प्रजा भी नहीं थी तभी भी वो राजा था, जब राजा बोलने वाला भी कोई नहीं था तभी भी वो राजा था। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। बाइबल बताती है वो पृथ्वी के राजाओं का शासक है। एक दिन वही हर एक के मन को फेर देगा और सब लोग अपनी ताकत एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक दिन जीसस हर एक के माइंड को ऐसा चेंज कर देगा कि सब राजा एक होके किंगडम एंटी क्राइस्ट को दे देंगे, क्योंकि बाइबल बताती है सारे राजाओं का मन उसके हाथों में है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गवर्नमेंट ये है वो है, हम जानते हैं बाइबल पूरी हो रही है। आमेन। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, मेरा एक सवाल है यहां, ये लोग उसको राजा क्यों बनाना चाह रहे थे? अब मैं आपको उसका रीजन बताना चाहता हूं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है यीशु जहां भी जाते थे एक बहुत भीड़ उसके पीछे आती थी। ये भीड़ खाना खाने के लिए आती थी, ये भीड़ चमत्कारों के लिए आती थी। कुछ लोगों को तो खाना भी नहीं चाहिए था, चमत्कार भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ जीसस को जकई की तरह देखना चाहते थे। They just want to see Jesus, कि वो कैसा है, कुछ नहीं चाहिए, देखना चाहते हैं वो कैसा।
लेकिन जानते हैं जब उस भीड़ को जो तीन दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, जब यीशु ने उनको देखा कि वो थ्री डेज से उनके साथ साथ चल रहे हैं, तब यीशु ने अपने चेलों को कहा इनके खाने का प्रयोजन करो। खुदा बड़ा रहम दिल है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। हमें लगता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु में सिर्फ बढ़ते हुए देखना चाहता है, पर मैं आपको सच कहता हूं वो सारी आपकी आवश्यकताओं पे भी ध्यान देता है। कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है। नो, आपको अच्छी नौकरी मिले, आपके पास अच्छा खाना हो, आपके पास अच्छे कपड़े हो, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इवन आपके पास अच्छी नौकरियां हो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी नीड न पड़े। इन सारी बातों को उसको ज्ञान है। आमेन। आप जानते हो यीशु को यीशु जानता था कि इनको भूख लगी है। उसे चेलों से कहा तुम इनके खाने का प्रयोजन करो। आप जानते हैं चेले असफल साबित हुए। अब यीशु ने वहां पर जो की पांच रोटियां और दो मछलियां एक लड़के से ली, खुदा का शुक्र किया और बाइबल बताती है उसने वो खाना बांट दिया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उसके बाद लिखा है उन्होंने उसे क्यों बनाना चाह रहे थे, बिकॉज ऑफ कंफर्ट। आप जानते हो लोग खुदा को क्यों राजा बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो उनको कंफर्ट दे रहा था। खाना एक कंफर्ट देता है। खाना खाने के बाद हम कंफर्ट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो आपको कंफर्ट देता है। आप जानते हो ये वो भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को राजा इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि वो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर स्टार्टिंग में मैं ऐसा था, मैं प्रभु के पास आया था क्योंकि मुझे आवश्यकता थी कुछ, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं आता, अब मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है, अब मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि अब वो मुझे अच्छा लगता है, अब मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैंने जान लिया है ये मेरा खुदा है, अब मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, अब इसीलिए आता हूं क्योंकि मेरा उससे एक नाता है, मेरा उससे एक रिश्ता है, वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दूल्हा है और वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए खुदावंत हर एक को तभी भी स्वीकारता है जब आप जरूरतों के लिए आते हैं, लेकिन याद रखिए जब टाइम बीत रहा है तो रिश्ता बदलना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है, क्या आप प्रभु के पीछे इसलिए चलते हैं? बिकॉज यू हैव अ लव रिलेशनशिप विद जीसस। सोचो जो लोग उससे प्यार करते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है, आपको पता है? यीशु को रोमियों ने अरेस्ट किया था, रोमी सबको ढूंढ रहे थे, पतरस उनके सामने इनकार कर करके भाग रहा था, लेकिन क्या आप जानते हो मरियम क्रूस के सामने खड़ी थी, क्रॉस के सामने खड़ी थी। सोचो रोमियों ने उसको देख नहीं लिया होगा, ओ ये भी इसके साथ थी। मुझे लगता है मरियम को रोमी दिखाई नहीं दे रहे थे, वो उसके साथ प्यार में थी। जिंदा हूं तो भी उसकी हूं, मर भी गई तो भी उसकी हूं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ पैशनेट लव फॉर जीसस। प्यार तो सब करते हैं, आपको पता है जो ये बच्चे बैठे हैं ना हमारे, ये भी प्यार करते हैं, पर बाइबल ये नहीं कहती कि तू प्यार नहीं करता। बाइबल पूछती है क्या तू पहले जैसा प्यार करता है? कोई यहां पर नहीं है, अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते ना, आप यहां होते ही नहीं, आप घर बैठ के कुछ और देखते, आप कहीं मॉल में चले जाते। बट ये प्रूफ है कि आप में से हर कोई जो यहां बैठा हुआ है वो यीशु से प्यार करता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप उसे वैसा प्यार करते हो जैसा आप उसे पहले करते थे? प्रकाशित वाक्य में प्रभु ये नहीं कहता कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, वो उसे कहता है तू मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता।
फर्स्ट लव, देखा आपने फर्स्ट लव कैसे होता है? जब हम नए नए प्रभु में आए थे, कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ यीशु को जानते थे हम लोग, कुछ होता था अंदर में, कुछ उमड़ता था, एक नदी बहती थी, हम आनंद करते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान मिला, लोगों से पहचान मिली, कलीसिया के अंदर राजनीतिक लोगों से भी हम मिल गए, आहिस्ते आहिस्ते प्यार ठंडा हो गया। आई विश आप में से कुछ लोग सबसे न मिल पाए, सिर्फ खुदा से ही मिल पाए। आप जानते हो क्यों उसे किंग बनाया जा रहा है? क्योंकि वो उनको कंफर्ट दे रहा है। आप विश्वास कीजिए, मैंने देखा है जब खुदा कुछ लोगों की कुछ चीजें छीनता है ना, डिस्टर्ब हो जाते, परेशान हो जाते। कुछ लोगों को गलत फहमी है, मुझे यीशु से प्यार है। नो सर, उसने कुछ दिया है इसीलिए है, बाहर निकलो। उसे इसलिए राजा मत कहो क्योंकि वो तुम्हें कंफर्ट देता है, उसे इसलिए राजा कहो क्योंकि वो राजा है। He is a king. Lord, I praise you. मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, अब आप एक कदम ऊंचा उठें, आप अपनी आवश्यकताओं को पीछे फेंक कर सच में जान पाएं जिसने आपको बुलाया है वो कैसा है। You should understand the person, उस व्यक्तित्व को आप पहचान पाएं कि जिस शख्सियत ने आपको बुलाया है वो कौन है, वो आपसे कितना प्यार करता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, परमेश्वर के प्रेम की शुरुआत है, उसके प्यार का कोई अंत नहीं है। उसका प्यार भले ही क्रूस से शुरू हुआ, आपको पता है आप मुझे किधर भी लेके जाओ और आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि आपका उद्धार नहीं हो पाया है, आपको यह भी करना पड़ेगा। मैं अपने सेल्वेशन में इतना स्ट्रांग लड़का हूं, आप मुझे कुछ भी बोल दो कि नहीं तेरे पाप क्षमा थोड़ी हुए हैं खाली पानी में डुबकी मारने से, यह पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया है अंदर से कि मैं क्षमा किया गया हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको यह दृढ़ विश्वास है कुछ भी बाकी नहीं है, 100% में माफ किया गया हूं। क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ ये सब? That's a supernatural work of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आपको कहां पहुंचना है ना, तो आपको यहां से बाहर आना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु का उसने घर दिया, धन्यवाद प्रभु का उसने परिवार दिया, धन्यवाद प्रभु का उसने आपको घर चलाने के लिए पैसे दिए। शुक्र है खुदा का हर ब्लेसिंग के लिए, लेकिन अब अपनी ब्लेसिंग से भी बाहर आओ। कुछ उत्तम है आपके लिए, इससे कुछ बढ़कर पड़ा है आपके लिए। मैं आप में से हर एक को फिर से कहना चाहता हूं, धन्यवाद अच्छे परिवार के लिए, धन्यवाद अच्छे घर के लिए, धन्यवाद सेहत के लिए, धन्यवाद कि उसने हमें गाड़ियां दी, पैसे दिए, आपको कंफर्ट दिया। शुक्र है खुदा का हर चीज के लिए, लेकिन अब समय आ गया है हम अपनी आशीषों को भी पीछे रखें, हम बाहर आए वहां से। आप जानते हैं एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि पतरस पूरी रात मेहनत करके जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस छोर पे आ गया, वो किनारे पे आ गया। जब यीशु उससे मिलता है तो पता है यीशु उसको क्या कहता है? नाव को गहराई में ले चल। मेरा एक सवाल है यहां पर, प्रभु गहराई में क्यों? सूरज किनारे पे अच्छी मछलियां नहीं मिलती, अच्छी फिश गहराई में मिलती है। जहां आप खड़े हो ना उधर सब कुछ नहीं है, आपको उधर से निकलना पड़ेगा और आपको वहां आना चाहिए जहां अच्छा मिलता है। आप समझ रहे हो? बचपन में कभी फिशिंग के लिए गए थे स्कूल छोड़ के? वन, जल्दी जल्दी बहनों हाथ उठाओ, कोई बहन है यहां पर? हम लोग छुट्टियां करके, भाई लोग तो मेरे को पता है गएंगे इधर, तो बहनों में से एक दो, कितनी बहनें हैं यहां पर? छुट्टियां करके आप किसी लेक पे खड़े हो गए और आपने देखा था छोटी छोटी मछलियां किनारे पे आती थी, पाव फेंकते थे हम लोग, याद है?
कभी कभी गंदी जंगली मछलियां मैं पकड़ के घर पे लेके आया था, मेरी मां ने कहा या ये रहेंगी या तू। मैंने कहा मां मुझे रहने दे। एक बार मैंने इतनी इतनी मट्टी से भरी हुई मछलियां मट्टी वाले पानी के साथ मैं घर पे लेके आया था और मैंने एक कांच की भरनी में रख दिया था। मेरी बहन खाना खा रही थी, उसे उल्टी, इसको फेंक, किनारे पे छोटी छोटी मिलती हैं। कभी देखा है शार्क किनारे पे आके खड़ी हो जाए, हेलो कैसा है, अंदर आ, उधर तक चल, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सच्ची बताओ कितने लोगों ने देखा है किनारे पे कौन सी मछलियां आती हैं, छोटी छोटी आती है। मैं कल पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु गहरे में क्यों जाए, तो तेरे को क्या लगता है बड़ी बड़ी मछलियां मैं किनारे पे लाऊं, तुम लोग नहीं चलोगे, मछलियां नहीं आती है किनारे पे। कभी कभार एक आ गई बीमार रहती है वो आ जाती है, आपने वीडियोस देखे होंगे, पर हमेशा फिशिंग अच्छी फिशेस लेक शोर को छोड़ना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं आएंगी किनारे पे, तुम्हें जाना पड़ेगा। मोती ऊपर से नहीं तैरते, पर्ल्स हमेशा अंदर होते हैं। आपको खुदा खुदा से कुछ पाना है, कहो अपने पास वाले को किनारा छोड़, गहराई में जा। यस, आपको छोड़ना पड़ेगा। सुबह 11 बजे उठता हूं ब्रदर, ब्रेड बटर खाता हूं, फिर छोटी सी प्रार्थना करके घर से निकलता हूं। वाह क्या एहसान करता है तू हम पे, वाह भैया। आपको पता है मैं मॉर्निंग में उठने से प्रार्थना करती हूं। बहन तू उठती कितने बजे है, 12:30 बजे। वाह मेरी बहन, सैल्यूट, सलाम मरियम सलाम, ये कोई लाइफ है 12:30 बजे नींद से उठते हो। कुछ लोगों की जिंदगी सुस्ती ने बर्बाद करके रख दी है, इतने लेजी हैं कुछ लोग, इतना खाते हैं सुबह उनका बदन नहीं उठ पाता है। शायद आपको मजाक लगेगा अब जो मैं कहूंगा, मैं जब बाहर जाता हूं ना कभी कभी लंच नहीं खाता हूं, डिनर छोड़ देता हूं। फिर कैसे करते हो, सुपरमार्केट जाता हूं, पूरा ब्रेड का क्या बोलते हैं उसको, पूरा ब्रेड का पैकेट लेता हूं, एक बटर लेता हूं, होटल वालों को बोलता हूं नाइफ दो, बटर नाइफ। रात को कभी कभी बटर ब्रेड खा के सो जाता हूं ताकि सुबह प्रेयर कर सकूं, खुदा से कुछ पा सकूं और चर्च में दे सकूं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप में से कुछ लोग कहेंगे एक दूसरे को खाए भी नहीं क्या, आई नो कुछ लोग नहीं समझेंगे। एक टाइम आएगा जब प्रभु आपको सिखाएंगे ये भी। आई वॉज इन जगदलपुर, बहुत तीखा खाना था वहां पर। एक बार मैंने खाया, मेरा स्टमक अपसेट हो गया। फिर मैंने सोचा प्रभु मैं क्या करूं दोपहर में, ब्रेड का पैकेट लिया, छोटा सा 250 ग्राम वाला बटर लिया, रोज लगा के खाता रहा। खाना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, खुदा का काम होना चाहिए, वर्क ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। आपको आपको क्या मिला बोलो, मुझे क्या मिला, महत्वपूर्ण है ही नहीं, इंपॉर्टेंट ये है यीशु मसीह को सब कुछ मिलना चाहिए। यस, आप मुझे बताओ जिंदगी किसने दी है, जिंदगी उसने दी है, उसने अपना जीवन दिया है। 9 बज गए हैं, प्रीचिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, हम करेंगे अभी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब मछलियां किनारे पे नहीं मिलती है, उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप में से सब मेरे साथ खोलिए। अब हम थीम वर्ड में आ रहे हैं, ब्रदर ओपन करिए 12:1 उत्पत्ति। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीचिंग, मैं चाहता हूं आप सब बहुत ध्यान से सुने। यहां देखिए, अच्छा आपके पास बाइबल है,
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सेकंड वर्ड ब्रदर, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का। यहां देखिए सर, बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ। गॉड रिवील हिमसेल्फ ऑन अब्राहम। जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होते हैं तब परमेश्वर सेकंड वर्ड में ब्लेसिंग की बात बताते हैं कि अब्राहम मैं आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाला हूं, मैं आपके द्वारा एक जाति बनाऊंगा, आपका नाम फेमस करूंगा। यू नो देयर इज अ प्रॉमिस इन द बाइबल, आई विल मेक योर नेम फेमस। बाइबल बताती है वो अपने लोगों को फेमस भी करता है। यू विल बी एंड मेक योर नेम ग्रेट, एक जगह लिखा है फेमस। लेकिन देखिए ये सेकंड आता है, फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट, अपने देश जन्मभूमि पिता के घर को छोड़। आप जानते हो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है? सबसे पहले लीव योर जोन, तो जिधर रह रहा है वहां से निकल। ब्लेसिंग की बात में आ रही है। पहले परमेश्वर कह रहा है जहां भी तू रह रहा है वहां से बाहर आ। अगर मैं यहां से बाहर नहीं आऊं तो प्रभु मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगा। आप जानते हो आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है पर पता है क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि आपने अपने आप से फाइट करना बंद कर दिया है, लड़ना बंद कर दिया है। 10 साल पहले कितना प्रार्थना करते थे? आधा घंटा। आज कितनी प्रार्थना है? आधा घंटा। बढ़ क्यों नहीं रही है? पहले कितने अध्याय पढ़ते थे? एक अध्याय। आज कितने अध्याय पढ़ते हो? एक अध्याय। वो भी स्थिर नहीं है, कभी गेस्ट आ जाए वो भी मिस हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप अच्छा, और एक दुख की बात बताऊं, कुछ तो ये भी नहीं करते, कुछ तो इतना भी नहीं करते, कुछ डिपेंड है चर्च और यूट्यूब पे, कोई पर्सनल स्टडी नहीं है, कोई पर्सनल प्रेयर नहीं है। 15 साल पहले भी 15 मिनट प्रार्थना थी, आज भी उतनी ही प्रार्थना है। सर आप अपने कंफर्ट जोन से कब बाहर आएंगे? खुदावन अब्राहम पे प्रकट होने के पहले क्या कहता है? अपने पिता का घर छोड़, अपनी अटैचमेंट्स निकाल और उस देश में चला जा और मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। और बाइबल बताती है अब्राहम गया। 6 साल पहले प्रार्थना कितनी थी? आधा घंटा। आज कितनी प्रार्थना है? आधा घंटा। वो भी स्थिर नहीं है। कुछ लोगों ने तो चर्च में आके इतना टाइम पास किया है कि आज भी जब वो कहां पर स्टक होते हैं वो काउंसलिंग की तलाश करते हैं, जबकि उन मुद्दों पर चर्च 1000 बार प्रचार कर चुकी है। क्यों? क्योंकि आप स्थिर नहीं हो, आप कैच नहीं कर पाते। आप बिलीव करिए, मैं एक ऐसा बंदा हूं इस चर्च के अंदर जिसके बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत कम सवाल है मेरे, बहुत सुलझ चुका हूं मैं। आप कुछ अगर आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको और आशीष दे स्पिरिचुअली, आपको देखना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं क्या मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। अब्राहम इज द फर्स्ट पर्सन। देखो परमेश्वर से क्या कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश अपनी जन्मभूमि अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कितने सालों से वो वहां पर रह रहा था। आप याद रखिए ब्रदर, कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद मिलेंगी। मैं जब भी कहां पर जाता हूं मीटिंग के लिए, मैं उनको पता है क्या बोलता हूं? ब्रदर आप मुझे खाना अच्छा नहीं दोगे ना मुझे चल जाएगा, पर मुझे कमरा चाहिए, मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए ताकि मैं प्रभु के साथ समय बिता सकूं।
मैं आप में से भी हर व्यक्ति को जो आने वाले दिनों में प्रभु आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, जब आपको कोई चर्च कॉल करती है और कहती है कि ब्रदर आप हमारे चर्च में प्रीच करने के लिए आओगे, आप उन्हें ये कह सकते हो, ब्रदर आप मुझे खाना सही नहीं दोगे ना, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कमरा ज़रूर देना ताकि मैं अपने खुदा के साथ समय बिता सकूँ। सब कुछ तो वही है। खुदा का कलाम कहता है जकई नाटा था, उसे पता चला प्रभु वहां से गुजरने वाले हैं। वो जानता था कि अगर वो खड़ा रह गया तो वो अपने उस विजिटेशन को मिस कर देगा। बंदे का दिमाग देखो क्या चला है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं 2024 का छोकरा, अगर मैं उन दिनों में रहता ना और मेरे कपड़े ऐसे होते, मैं प्रभु को बोलता कोई बात नहीं, मैं फिर कभी देख लूंगा। हम लोग बहुत डिसेंट हैं, है ना? कई लोग बहुत डिसेंट, इतने डिसेंट हैं कि अगर चर्च के अंदर आराधना भी चलेगी ना तो भी, अरे क्या करना तुम्हारी डिसेंसी का जो तुम्हें खुदा में नाचने को नहीं सिखा सकती। कभी कभी इतने लोग डिसेंट होते हैं, इतने ज्यादा डिसेंट होते हैं, इतना उनकी वेयरिंग अपने बॉडी लैंग्वेज पे इतना कि कोई मुझे देख के मुझे मूर्ख न समझे। उनका मन करता है कि हम नाचें, डांस करें, हम यीशु के लिए गाएं, लेकिन अपनी इमेज में ही मर गए। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपनी इमेज से आपको प्यार है? दाऊद ने कपड़े उतारे, पीछे संदूक चल रहा था और वो नाचना चल गया। उसकी वाइफ ऊपर से देख रही थी, लिखा है उसने मन ही मन से तुच्छ जाना। ऊपर आया, बोलती है इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? दाऊद कहता है मैं प्रभु के लिए इससे भी ज्यादा गिरने को तैयार हूं। Who cares तू मेरे, तू क्या सोच रही है, खुद तो नाचती नहीं है ना हमें नाचने दे रही है। और कुछ लोग पता है खुद नहीं नाचेंगे, जो नाचेंगे ना उनको देखेंगे। हाँ मैंने देखा है, एक बार मैं एक चर्च में था, मैं वहां पर नाच रहा था, यीशु ने हमें बचाया है, एक भाई मुझे देख रहा था। एक बात तो बताओ, तुम नाचते नहीं हो, हम लोग को क्यों देखते हो? बोलो बाजू वाले को तू अपना देखना, खुद नाचेंगे नहीं, जो नाचेगा ना उसको घूर घूर के देखेंगे कि ये क्यों पागल हो गया। पागल नहीं हुआ है, ओ प्रभु का आत्मा उतरा है उसके ऊपर। कुछ लोग तो टीचिंग देते हैं इन दिनों में नाचना गलत है। कोई यहां पर है जिसको हमारे नाचने से प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता हूं, अगले शनिवार भी सभा है, कृपया ना आए, घर बैठिए। हमें बहुत खुशी है कि वो हमारा खुदा है। वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस। हमारे लिए यीशु व्यक्ति नहीं है, त्योहार है, त्योहार। He is our festival. He is my festival. He is my peace. He is my joy. He is our everything. Oh, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैं उसका नाम लेता हूं ना मेरा हार्ट बबलिंग करता है। My heart rejoices in my God. आपने देखा यूहन्ना बपतिस्मदाता के साथ क्या हुआ? बाइबल बताती है फरिश्ता मरियम के पास जाके कहता है, एलिशिबा के पास जाके कहता है, बहन आप प्रेग्नेंट हो, जकरिया के पास जाके कहता है तू बेटा पैदा करने वाला है, तुझे बेटा होने वाला है, तू उसका नाम यूहन्ना रख लेना, बहुत सारी बातें। और जैसे ही बाइबल बताती है एलिशिबा प्रेग्नेंट होती है, और लिखा है एलिशिबा अपनी कजिन सिस्टर मैरी के पास जाके कहती है, और जैसे ही बाइबल बताती है वो आपस में मिलती है, मैरी भी प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर जीसस था, दोनों प्रेग्नेंट है, उसमें जॉन है, उसमें जीसस है, दोनों कजिन्स थे।
चचेरे भाई थे एक दूसरे के। जैसे ही मरियम ने, मुझे ये वर्ड उर्दू में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मरियम ने उसको कहा सलाम, ग्रीटिंग्स, हिंदी में लिखा है नमस्कार। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब वो शब्द सुना ना, जो अभिषेक में से आ रहा है, जो जीसस में से आ रहा है, वो अंदर से उछल पड़ा। आपको पता है इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना है। बिलीव मी, इस दुनिया में यीशु को सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति ने जाना है जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, अनबॉर्न चाइल्ड। लिखा है जैसे तेरा शब्द मेरे अंदर आया, बच्चा उछल पड़ा। आपको पता है क्यों उछला? बपतिस्मा मिला, इसीलिए जब वो पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा गया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने प्रचार भी यही किया कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। एक्सक्यूज मी जॉन, आपको कैसे पता चला कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा? क्योंकि पहले उसने मुझे दिया है। वाओ, व्हाट अ मैन, हालेलुया। अरे वो पेट में नाच रहे थे, तुम इतने बड़े होके नहीं नाचते, डिसेंट बने बैठे हो। हाँ, एक तो खुद नाचते नहीं हो, कोई नाचता है तो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हो, शर्म मत किया करो। आपके पाप माफ हुए हैं, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, यीशु मसीह आपको लेने आने वाला है, हम बहुत जल्द मेमने के विवाह में जाने वाले हैं। अरे मेरा मन कर रहा है मैं मीटिंग पूरी करके इसके ऊपर खड़े होकर नाचूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। बड़े गंभीर तरह के मसीह हैं आजकल। हालेलुया, हालेलुया, किश्तों में हालेलुया। Hey, come on. Rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बिगड़ा भी है तो खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई लेके आएंगी। जकई को देखो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर, एटलीस्ट खुदा के लिए तो नहीं है। पेड़ पे चढ़ गया, धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ऊपर जाके ऐसे बंदरों की तरह बैठ के वेट कर रहा है उसका, आएगा वो, आएगा, आएगा। वो जानता था ये इसके जिंदगी की सबसे ब्लेस्ड मोमेंट होगी। जैसे ही आप सोचो, जैसे ही यीशु वहां से गुजर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उससे कहा रुक, ऊपर देख, इस बंदे को देख रहा है, इसका नाम जकई है। जकई नीचे आ, इतने सालों से जिन जगहों पे जाते थे उनको तुम्हारा नाम पता था? इतनी जगहों पे जाते थे आप लोग, किसी को तुम्हारा नाम पता था? आते थे कलेक्शन लेके चले जाते थे। हमारे खुदा को हमारा नाम पता है। आपको पता है, मैं इन दिनों में सुसमाचार पढ़ रहा था और मैंने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है आगे बढ़ो, और वो बोट में चढ़ जाते हैं और लिखा है यीशु मसीह उनके पास पानी से चलते चलते आया। पर जानते हो चेले क्या बोल रहे थे? कि हमने क्या देखा कि जहां पर बोट थी वो उससे और आगे बढ़ गया। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। गिरीश इधर आइए, यहां देखिए, यहां देखिए गिरीश ना, कुणाल, 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 आ जाओ, खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, सब कुणाल को देखो, वैसे दिखता तो सबको ही है। यहां देखिए, नहीं कुणाल आप थोड़ा और आगे आ जाओ। समझो कुणाल जो है ना वो एक बोट में है, और ये बोट है और सामने से लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है, और मैं दो मिनट के लिए जीसस, अब देखो मैं पानी पे चल रहा हूं, मुझे सीधा इनके पास अंदर जाना चाहिए ना। पता है यीशु ने क्या किया? आगे बढ़ गया, ये पीछे, वो आगे,
प्रभु क्या कर रहे हो? तूफानों को बता रहा हूं, मुझसे टकराओ मेरे बच्चों से नहीं। This is your God, ये आपका परमेश्वर है। I was reading my Bible, मुझे प्रभु ने कहा देख मैं आगे बढ़ा ये दिखाने के लिए, इन पे कोई तुम्हारा जोर नहीं है, आओ मुझसे टकराओ। I am in their God, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं। तू आग में से जाएगा, आग तुझे जला न सकेगी। तू पानी में से जाएगा, पानी तुझे डुबो न सकेगा, क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर है। ओ, आज आग है मुझ में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपकी दाल है। जब भी आप पे तूफान आएंगे ना, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आगे बढ़ेगा, उनका सामना करेगा। याद रखना, हम जिस खुदा को मानते हैं ना, वो हमारे हालातों से लड़ता है। Never forget, वो आगे आगे बढ़ा। आओ हवाओं, आओ मुझे टकराओ। कभी कभी आपको लगता होगा यीशु आगे जा रहा है, मैं तो पीछे हूं। अरे तुम्हारे हालातों से लड़ने गया है वो तुम्हारा खुदा है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, तुम तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट ने उससे टक्कर खा ली। I worship you. सलाम करिए ऐसे खुदा को आप। You should salute him. क्या खुदा है हमारा। Love you, Lord. There is no one else like you. तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है। मेरी उर्दू में लिखा है, तू इंसाफ करता है। कोई भी कोर्ट हो, कोई भी जज हो सकता है आपके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा को हम मानते हैं वो इंसाफ करेगा। सोचो जकई ऊपर बैठा था, यीशु ने कहा ज़ैकियस कम डाउन। कितनी बड़ी बात है, उस धन्य मुंह से उसका नाम निकला। सोचो अगर आपका नाम निकल जाए, सूरज प्रभु मेरा नाम लिया है। मैं जिधर जाता था उनको तो खाली मेरा पैसा चाहिए था, इसको मैं चाहिए। सॉरी बेटा आपको लगा तो नहीं। अब मैं आपको ब्यूटीफुल एक चीज और बताना चाहता हूं, जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं उनके साथ खुदा क्या कर सकता है। क्या आप सब तैयार हैं? Yes. आप में से किसी को भी बाइबल नहीं खोलनी है, सिर्फ सामने देखिए। मैं नहीं चाहता हूं आप सेकंड्स के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होइए। ब्रदर आप खोलिए, जल्दी जल्दी से खोलिए। यूहन्ना 20 अध्याय, यूहन्ना का 20 अध्याय, एक से निकालिए। सब यहां देखिए। हेलो जी, ओ मेरी बहन, ओ मेरे भाई, यहां देखिए 20 का एक से लगाइए। यीशु मारे गए हैं, यीशु गाड़े गए, यीशु जी उठे, ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन यीशु जी उठे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी बोर को अंधेरा रहते हुए कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से। अब देखो इन्हें पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं वो जी उठा है। अब ये उनसे एक मरे हुए यीशु से मिलने के लिए गई हैं। वो आगे थोड़ा लंबा पढ़ेंगे हम। तब वह दौड़ी और शिमोन पत्रस, लूका में लिखा है, अंदर गई देखकर। अब किसको बता रही है वो? पत्रस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये यूहन्ना है। आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल के ले गए हैं और हम नहीं जानती कि कहां रख दिया है। रुकिए, सब सामने देखिए, यीशु जिंदा हो चुका है। बहनों को पता चल गया। अब ये किसको बता रही है? ठीक है, थर्ड। तब पत्रस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चल गए।
अब कुछ बहनें गई हैं पतरस को और चेलों को बताने के लिए कि चलो कब्र खाली है। अब देखो क्या हो रहा है आगे। तब दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से बढ़कर, देखो जिससे प्रभु प्रेम करता है उसकी गति ज्यादा फास्ट है। हाँ, पतरस ने क्या कहा था, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा, वो पीछे। लेकिन जिससे यीशु प्रेम करता है वो तेज दौड़ रहा है। डोंट डिपेंड ऑन योर लव, डिपेंड ऑन हिज लव। आमेन। आइए पांच, पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। अभी देखो फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं, आए पार्ले जी बिस्किट और चाय लेके खाओ, होता है ना, फॉर्मेलिटी तो निभानी है। मेहमान मेहमान आए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, कहिए फॉर्मेलिटी, कहिए फॉर्मल में। अब देखो वो भीतर गए। छह, जल्दी जल्दी, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। ये आराम से आया हुआ है, चल 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 तू चल, तू चल, मैं आ रहा हूं। और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। अब सब ने देख लिए। सात, तब अंगोशा जिसके सर पे बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग, ये भी देख लिया इन्होंने। आठ, तब दूसरा चेला भी जो कब्र से पहले पहुंचा था भीतर गया। अब पतरस आया है, ये भी उसके साथ, पता नहीं इसको डर लग रहा था। हां, नौ, अब काम की बात है। ओके, दस लगाइए। ओ सैड थिंग, तब ये चेले घर लौट गए, कहिए घर चले गए, उधर ठहरे भी नहीं है, कहिए घर चले गए। अब देखो क्या हुआ। 11, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। 12, दो स्वर्गदूत उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने। अब मरियम ने यह देखना स्टार्ट किया, चेले भी देखते अगर खड़े रहते, चले गए। 13, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तो क्यों रोती है? उन्होंने उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा के ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। आगे ब्रदर, यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा। और न पहचाना कि वह यीशु है। 15, ब्रदर जल्दी आगे बढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? मुझे बताओ वो क्यों रो रही है? अरे तुम्हारा सोना गुम हो गया, तुम्हारा चांदी गुम हो गया, तुम्हारा नौकरी चला गया, तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई, तुम रोते हो, इस बहन को देखो वो क्यों रो रही है। क्योंकि उसे यीशु नहीं मिल रहा। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस, आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू। मुझे इस दुनिया में कोई चीज प्रभु खुश नहीं कर पाती है। आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड गाय, लॉर्ड कम लॉर्ड। कब आपका दिल इसलिए टूटा है? क्योंकि खुदा का टच आपको नहीं मिल पाया। यीशु पहला शब्द उसे कहता है, क्यों रो रही है? अरे कुछ लोग का रोना बंद हो चुका है इन दिनों में, इतने ड्राई हो चुके हैं, इतने सख्त हो चुके हैं पाप कर करके। उसने माली समझकर उससे कहा, क्योंकि वो एक गार्डन था, यीशु को एक कब्र गार्डन में जो पड़ी थी वो मिली थी, हे श्रीमान यदि तूने उसे, यीशु को कह रही है, तूने लिया है क्या उससे? अब 16 में देखो क्या आया। यीशु ने उससे कहा, मरियम, उससे पीछे फिर के इब्रानी ने कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। 17 देखो, इतना अमेजिंग है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। बताइए यीशु ने क्यों कहा? अरे लिपटने जा रही थी उसे। This is Christian life. Seek him, hug him. That's life.
I preach what I practice. कितने लोग हैं गाड़ी बंगले के लिए नौकरी के लिए नहीं ढूंढते हैं उससे, उसे इसलिए ढूंढते हैं ताकि आप उसे गले मिल सके. क्या आपने कभी इस मसीह जीवन के बारे में सुना है? मुझे मत छू, मैं अभी तक ऊपर नहीं गया हूं. स्वर्ग में पाप हुआ था, सबसे पहला पाप शैतान ने वहां किया था. यीशु मसीह ऊपर गए थे और उन्होंने अपना खून वहां छिड़क दिया, फिर नीचे आए, फिर थोमा को कहा था अब मुझे छू सकता है. Come up higher, ऊपर आओ, अब ऊपर उठो. मीटिंग के बाद पंचायतें बंद करो, नीचे खड़े होके खुदा को ढूंढो, वचन के लिए बात करो. चर्च के अंदर अपनी चर्च मत बनाओ, निकलो इन बातों से. कुछ पड़ा हुआ है तुम्हारे लिए. वो लोग आए, आके चले भी गए, वो खड़ी थी. यीशु उस पे जाहिर हुआ, मरियम. वो लोग क्यों चले गए? कुछ तो याद आया होगा. 10 कोढ़ी 10 चंगे हुए, 9 चले गए. क्यों? एक क्यों वापस आया? क्योंकि 9 को परिवार की याद आ गई. इतने महीनों से घर से दूर हैं, सीधा घर चले जाते हैं. एक ने कहा नहीं, जिसने चंगा किया है पहले उसके पास जाऊंगा. होने दीजिए सारी ब्लेसिंग्स आपको उसकी तरफ ले जाए, उसकी आशीष आपको उससे दूर न करे. ओ, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, नाउ यू आर अ मिनिस्टर. अब आपको सेवका ही मिल गई है. नाउ मिनिस्ट्री इज योर गॉड. आपका प्रचार आपका खुदा नहीं है, आपकी सेवका ही आपका खुदा नहीं है, यीशु आपका खुदा है. सैमुएल की तरह उसकी सेवा करो, उसके लिए बात में सेवा करना. 10 वचन याद कर लिए, 15 वचन याद कर लिए, रट लिए भजन संहिता 90 वाय, 10-15 मिनट प्रेयर है, आते हैं ब्रदर, बहुत अच्छी बात है. कितने लोग हैं मरियम की तरह खड़े रहते हैं, वेट करते हैं. कितने लोग हैं, मैं तो पता है इन दिनों में कभी कभी ऐसे बैठ जाता हूं कमरे में, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु आपने मुझे अपने लिए बनाया है ना, मैं बैठा हुआ हूं, यू एंजॉय माय प्रेजेंस. आपको पता है जब आप उसके साथ बैठे रहते हो ना, वो एंजॉय करता है. वो कहता है वाह, जिसके लिए इसको बनाया था वो चीज होने लग रही है. अरे ये तो मेरे लिए बैठा हुआ है. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, जब तक जीवित हूं उसकी यत्न में लगा रहूं, उसकी खूबसूरती की ओर नहारता रहूं, उसके भवन में बना रहूं. बता लास्ट लगाइए 18. मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया. What a testimony. I saw the Lord. That's a revelation. मैं कभी कभी सोचता हूं, एक स्त्री थी जो प्रचार कर सुनने के लिए चर्च जाती थी उन दिनों में, यीशु के समय में. शायद उसने ये सुना था कि जब यशाया ने प्रभु को ऊपर सिंहासन पर देखा था, तब वहां पर प्रभु का एक वस्त्र था, जो सिंहासन पर बैठा था उसका वस्त्र था. और मैं ऐसा फील करता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है, डोंट जज मी. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उस स्त्री ने आराधनालय में ये सुना था कि यशाया ने जब प्रभु को देखा था तो उसने उसके कपड़े देखे थे. इसीलिए जब वो एक दिन बहुत बीमार पड़ गई, 12 साल तक उसे लहू बहने का रोग था, और जब उसे पता चलता है कि यीशु जाने वाला है, उसने उसके कपड़े छुए थे. She knows, उसके कपड़ों पे भी हीलिंग है. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां हैं आप जी? कितना समय बिताते हैं उसके साथ? 6 साल से प्रभु में हूं ब्रदर, 15 मिनट प्रार्थना करता था, अभी कितना करते हो? 15 मिनट. कोई ग्रोथ नहीं है. पतरस, नाव को गहराई में ले चल. जकई ऊपर चढ़ गया.
अब आइए हम अपने लास्ट मिनट्स में आए हैं, बताइए मूसा, हे मूसा, ये शब्द मूसा ने कब सुना था? जब वो नीचे खड़ा था, उसे वहां से देखा जाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही है। एक्चुअली पहले उसने ये देखा था कि जाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही, वो पहाड़ पे चढ़ गया। जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ा, उसको आवाज आई और वह भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया और चेले ऊपर आए और वो उनको कहने लग गया, धन्य है वे जो दीन है। उससे वो शब्द नीचे नहीं ऊपर कहे थे। यहां देखिए ब्रदर, यहां देखिए ब्रदर, सिस्टर यहां देखिए, स्ट्रेट बैठी यहां देखिए। कुछ पहाड़ों से बात करनी है, कुछ पहाड़ों से बात नहीं करनी है, चढ़ना है। आपके हालातों से बात करो, तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ो और समुद्र में जाओ, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। कुछ पहाड़ों से बात, आप ये नहीं कह सकते हो मेरा संबंध प्रभु के साथ बन जाए, तुम्हें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समय निकालना पड़ेगा, नींद खराब करनी पड़ेगी, भोजन कम करना पड़ेगा, ताकि आपका बॉडी आपके वश में रहे और आप जब प्रभु के साथ बैठो तो आपका बॉडी आपको तंग न करे, आप घंटों बैठ पाओ। जैसे जैसे आप उसके साथ बैठेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भीतर से उसके करीब जाते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ये स्ट्रगल इतना खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग में है। एक दिन ऐसा आएगा, आप कमरे में जाओगे, आपका स्ट्रगल खत्म हो गया है उसको ढूंढने का, अब आप बहुत उसके करीब आ गए हो। एक टाइम ऐसा आएगा, आप कमरे में जाओगे, आप कहोगे जीसस वहीं होगा। हवा से भी ज्यादा रियल है वो, आप उसको छू सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो। मैंने उसको टच किया है, मैंने पवित्र आत्मा को रोते हुए सुना है एक बार, वो एक ऐसी प्लेस है जहां आप और वो इतने करीब हो जाते हैं, जहां पर आप कुछ बोलोगे ही नहीं, दाऊद की तरह सिर्फ खुदा से सुनोगे, चुप रहो और जान लो मैं खुदा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, बिलीव मी माई हैंड इज फुल ऑफ अनॉइंटिंग, पत्थर बन गया है अभी ये हाथ। कम ऑन सच लेवल, मिनिस्ट्री सब कुछ नहीं है, पागल हो गए हैं लोग आजकल, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, अरे निकलो, मिनिस्ट्री अपनी जगह पर है, वो भी करनी है, खुदा ने दी है, लेकिन मिनिस्ट्री करने से पहले जिसकी मिनिस्ट्री कर रहे हो उसको लो। डोंट बी लाइक अ मार्था, उस इशू के लिए भोजन बना रही थी जिसे भूख भी नहीं लगी थी। बी लाइक अ मैरी, कैसे बैठ के सुन रही थी ना, कुछ नहीं चाहिए खुदा, तू बोल, तू बोलता है ना जिंदगी बदलती है। यू नो मेरी प्रेयर है आपके लिए, आप सिर्फ चर्च में नहीं, आप अब आप उसमें पाए जाएं। इसी लाइफ के बारे में तो वो कहता है, अब जो मसीह में है, मसीह में वे नई सृष्टि है,
अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह में हर प्रतिज्ञा हां और आमीन है। अब पढ़ के देखो, इन 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 बोलता है वो, इन इन अंदर अंदर खोना सीखो खुद को, खुद को खोना सीखो, इस निचले स्तर से बाहर आओ। बाहर आओ, घर चले गए सब, नींद आ रही थी, भूख लगी थी, किसकी याद आई, आई डोंट नो, सब चले गए। वो उधर ही खड़ी है, क्या बोलती है, किधर है मेरा, मेरा खुदा कहाँ है, दो मैं उसे ले जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैरी, आप गर्ल हो, वो जेंट्स है, उसको उठाओगे कैसे, आप फिजिकली वीक हो, आप बैक नहीं उठा पाते हो, आप उसे कैसे उठाओगे, ले जाऊंगी दो बस। अगर हम लोग वहां होते ना तो पता है हम लोग 2024 के लोग क्या कहते हैं, मरियम कौन चाहिए, जीसस मर गया है, वो कुछ नहीं देगा, ना मछली ना रोटी, कोई चमत्कार नहीं पड़ेगा। पता है आपको क्या कहती खड़े होके, व्यापार तुम कर लो, मुझे वो चाहिए, व्यापार तुम करो, जाओ तुम जाके लेन देन के संबंध रखो उसके साथ, ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे वो दे दो। वो मरा हुआ हुआ भी है ना तो भी दे दो, वो पड़ा रहेगा ना उसको देख के भी खुशी मिलेगी, दो। जिससे आप प्यार करते हो ना, भले वो आपसे बात भी ना करे पर पास में भी बैठा रहता है ना, अच्छा लगता है, उसका ऐसा संबंध था जीसस से। आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आज ब्रदर प्रेमानी प्रीच नहीं कर रहा है, आज एक दुल्हन अपने दूल्हे का प्रचार कर रही है। लव यू जीसस, लव यू लॉर्ड, हम बहुत आपको मिस करते हैं प्रभु, अब जल्द आइए, अब हमें ले जाइए। ओ क्या कहता है ना यूहन्ना, आ प्रभु यीशु, पता है ये कौन कह सकता है जो तैयार हो चुका है। दिस इज अ लास्ट प्रेयर ऑफ द बाइबल, हे प्रभु यीशु आ। मैं दुआ करता हूं आप भी इस प्रेयर तक पहुंच पाए, कि आप भी कह पाए कम मैं तैयार हूं, बस मैं और नहीं बोलना चाहता, खड़े हो जाइए, बात मत करिए, खड़े हो जाइए बस। जल्दी से मेरे गाने वाले भाइयों, आप जल्दी आ गया जो, हम एक छोटा सा कोरस गा के आपको विदा करेंगे, कोई बात ना करे, मुझे लगता है इस हॉल में आज सबको खुदा ने छुआ है, एवरीवन इज टच बाय होली स्पिरिट टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम आराधना करें, गीत गाएं, अपना मुंह खोलिए, शुक्रगुजारी करिए उसकी। Come on, praise him, praise him, praise him, praise him, fast, 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 brother. मैं गाऊंगा, आप कृपया मेरा साथ दें। Yes, play some music, brother. मैं रहता
फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी रूह से मैं भर जाता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी रूह से मैं भर जाता हूँ तेरी फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। प्लीज प्रे फॉर अस दैट गॉड गिव्स अस आवर ओन चर्च सो दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन सिट देयर एंड लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।